हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नॉट अगेन यार, फिर से वही मेकअप दे दा। यस सर। मिरर दिखाओ, स्पॉट दे दा, अमरा लेके आओ। और मेरे लिए एक मिनरल वाटर भी लेके आना। क्या करूं, क्या करूं, कैसे ये सीन पूरा करूं? बन्नी सर, मुझे नहीं लगता इस जन्म में ये फिल्म पूरी हो पाएगी। चलो चुप, तू मेरा असिस्टेंट है के दुश्मन, जब भी मुंह खोलता बुराई बोलता है। सॉरी सर। अवंतिका जी, व्हाट आर यू डूइंग? सिंपल से कर रनिंग का शॉट, 15 टेक में ओके नहीं हुआ, और आप अपने जूतों पे ये भरतनाट्यम क्यों करने लगती हैं? पनी जी, आपके प्रोडक्शन वालों ने एक ढंग का जूता तो दिया नहीं मुझे, अब आप ही ने समझाइए। पनी जी, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हैं आप अवंतिका को? हाँ, एक मिनट बेबी, मैं छात्र में हूँ, मेरी स्किन खराब हो जाएगी यार, टैन हो जाएगी ना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, बनी जी वो इन शूज में कंफर्टेबल नहीं है, तो दूसरा सीन शूट करते हैं ना, कल कर लेंगे, नए जूते आप कल मंगवा लेना, ठीक है? हद है सर, 15 दिन के शेड्यूल में अब तक सिर्फ 6 सीन शूट हुए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो प्रोड्यूसर मुझे अपने ऑफिस में घुसने नहीं देगा। चलो चलो, आइए सीन छोड़ो, वो हीरो हीरोइन का पानी में कूदने वाला सीन लगाता है, ठीक है? चलो वो सेटअप लगाओ फटाफट, कम ऑन। क्या पानी में कूदना पड़ेगा? वो पानी साफ तो है ना? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ ना, तो तुम्हारे प्रोड्यूसर के खर्चे पे यूएस जाके स्किन ट्रीटमेंट करवाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेबी बेबी डोंट वरी, मैं हूँ ना यार, तुम्हें पता है मैं अपनी सारी फिल्म्स के स्टंट्स खुद कर रहा हूँ, है ना? हाँ मैं हूँ ना बचाने के लिए, डरो मत। चलो पानी वाला सीन ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दादा, सीन समझाओ इनको। जी सर। हाँ बताओ। मास्टर जी, मैं आता हूँ, मैं एक्शन मास्टर से बात करके आता हूँ। आया सर। देखिए फिल्म के आखिरी सीन में सर, आप दोनों मतलब फिल्म का हीरो टिंकू और फिल्म की हीरोइन मैडम आप जलेबी सर, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मतलब सर एक दूसरे पे मर मिटते हैं। फिर क्या होता सर, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों एक साथ सर झरने में कूद जाते हैं, और जो पीछे से ये गुंडे आ रहे हैं ना सर, ये लोग सर वापस चले जाते हैं। फिर क्या सर, प्यार की जीत हो जाती है, मतलब ऑडियंस पागल, माइंड ब्लोइंग सीन लिखा है सर राइटर ने, माइंड ब्लोइंग करें सर ये सीन। ठीक है करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सीन रेडी है सर, सीन 129 शॉट 21 टेक 1 एक्शन। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ आप लोग सीआईडी से? जी हाँ। आइए अंदर आइए। क्या बात, क्या है आप अभी तक घबराई हुई लग रही हैं? सर वो अंजलि और रोहन हमारे पड़ोसी हैं, अभी एक महीने पहले ही वो हमारे घर के सामने रेंट पर रहने आए, और पायल उनकी 5 साल की छोटी बच्ची है। तो क्या हुआ, क्या पायल को? सर आज सुबह, मेरा मतलब है आज सुबह 4 बजे उसके आया, उसे गोद में लेकर गाड़ी में लेकर भाग गई, गन भी थी उनके पास। पायल के पेरेंट्स नहीं थे घर में? नहीं, वो लोग किसी काम से पहले ही बाहर निकल गए थे, मानसी के पास छोड़ के गए थे, मानसी आया का नाम है।
अच्छा, लेकिन आप सुबह 4 बजे जगी हुई थी जब ये सब हुआ। हाँ सर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैं गैलरी में अपनी मेडिसिन लेने गई थी। टेबल से गैलरी के ठीक सामने उनका घर दिखाई देता है, तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उनके घर के सामने एक रेड कलर की कार खड़ी थी, लेकिन वो रोहन या अंजलि की कार नहीं थी। कार का ड्राइवर बाहर भी नहीं निकला, लेकिन मानसी घर के बाहर आई पायल को गोदी में लिए हुए। पायल सो रही थी तब उसने पायल को कार की पिछली सीट पर सुला दिया और फिर अचानक गन निकाल ली, फिर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और फिर कार चली गई। कार का नंबर देखा था? हाँ सर, VCD 541। क्या हुआ? मानसी हमारी पायल को लेकर कहाँ चली गई? क्या हुआ शीतल, जब मानसी पायल को लेकर जा रही थी तो तुमने उसको क्यों नहीं रोका? पहले कहा था तुमसे कि किसी को काम पे रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। आप लोगों ने मानसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया था? सर मैंने तो उसे भरोसे पर रखा था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। ठीक है ठीक है, आप लोग हमें मानसी और पायल की फोटो दीजिए जरा। जी अभी लाई। शीतल, पायल और मानसी ने क्या पहना हुआ था आपको याद है? अरे आपने चिल्लाया क्यों? इस फिल्म में चीखना चिल्लाना नहीं था। अरे ये मेरी अवंती का नहीं है, ये लाश है, किसी की लाश। क्या बकवास है, क्या लाश है? लाश? ये लाश। अरे इसका तो चेहरा भी पिघला हुआ है। अरे 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 बेवकूफ, अवंती का को ढूंढो। अवंती का किधर है? अवंतिका, अवंतिका, अरे अवंतिका को बचाओ। चूहे के बच्चे बहुत फेंक रहे थे ना तुम कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या हुआ तुम्हारा? मेरा फेयर खत्म, कॉल मीडिया, अब मैं वो शूट नहीं करूंगी। यहाँ पे पैक अप। अवंतिका, अवंतिका, नहीं नहीं अवंतिका, तो अरे अरे तुम्हारा, अरे अवंतिका सुनो तो प्लीज। इस लाश को भी मेरे ही शूटिंग में आना था, गया गड्ढे में मेरा करियर, गई गड्ढे में मेरी फिल्म। अब CID को ही बुलाना पड़ेगा। याद रखना, वो कार बच के निकलनी चाहिए। ठीक है, नजर रखो। ओके। लाल कलर की मटीरा गाड़ी है, नंबर लिखिए VCD 541। जीत, तो मेड मानसी और उसके साथ जो भी वो किडनैपर है पायल का, अगर ये लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई टोल नाका क्रॉस तो करना ही पड़ेगा इन्हें। हाँ, कार का नंबर, मानसी और उस बच्चे की फोटो तो हम लोगों ने वहाँ भिजवाई दी है, वहाँ से निकलेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। सर हो सकता है वो लोग कहीं छुप के बैठे हो, शहर से बाहर निकले ही ना। हाँ लेकिन कब तक छुप के बैठेंगे? रेडियो पे TV पे ये खबर अनाउंस हो ही रही है, कार की डिटेल्स भी है, इनकी फोटो भी है। क्या? किस रूट पे? ठीक है ठीक है, थैंक यू। पता चल गया? हाँ सर, सर वो कार वो सही में देखी गई, सुबह 7:30 बजे उसने 63 टोल नाका क्रॉस किया है। वो सही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो जल्दी। सर ये राकेश है, ये गोरेगांव के एक पेट्रोल पंप पे नाइट ड्यूटी करता है, इसने देखा है उनको, जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने इसे बहुत मारा है। क्यों क्यों मारा? कितने बजे की बात है ये? सुबह 6 बजे साहब, फुल टैंक पेट्रोल भरवाया, कैश की जगह क्रेडिट कार्ड देने लगा, मैंने कहा मशीन खराब है, ये सुनते ही साहब जो धोया मैंने। आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उसका चेहरा तो याद है आपको? एकदम गुंडा दिखता था। अच्छा, गाड़ी में जो बच्ची थी वो तो ठीक थी ना? आदा, वो ठीक थी, वो पिछली सीट पे ना सो रही, अम्मा सो रही थी। ठीक है निकल, वो स्केच बनवा लो और इनको हॉस्पिटल छोड़ दो। अब छोड़ा मत उसको। सर सर कुछ पता चला मेरी बच्ची का? कहाँ है वो? देखिए घबराइए मत,
अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से पायल बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताइए, आप लोगों के पास फिरौती के लिए कोई फोन आया था? अब तक तो कोई कॉल नहीं आया है। लेकिन सर, वो हमसे फिरौती क्यों मांगेंगे? हम जिस बंगले में रहते हैं वो किराए का बंगला है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई हमसे फिरौती मांगे। सर, सर ये रहा उस आदमी का स्केच। अब जरा ये स्केच देखिए, इस आदमी को पहले कभी देखा आप लोगों ने? नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अभी घर जा सकते हैं। और हाँ, किडनैपर या कोई भी अनजान आदमी आप लोगों को कॉल करता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। लेकिन सर, हमारे बच्चे। आप फिक्र मत कीजिए, पायल सही सलामत आपके पास आएगी। अभी आप लोग जाइए प्लीज। वसई के पास वो गाड़ी देखी गई थी ना, पेट्रोल पंप वाले आदमी के हिसाब से गाड़ी यहीं कहीं देखी गई। अब देखना ये है कि कहीं आगे गई है या फिर यहीं कहीं आसपास छुपी हुई है। सर, जिस ड्राइवर का हमने स्केच बनवाया था उसके बारे में पता चल गया। क्या पता चला? जगन नाम है उसका, मुंबई के बाहर का कोई गुंडा है। सर, दो बार अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन जेल नहीं हुई। तो ये मानसी पायल को लेके गुंडे के साथ भाग गई होगी। तो वैसे ही नहीं ना, देखते हैं कब तक छुपे रहेंगे ये लोग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या पीले रंग का सूट? ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। ओके ओके, थैंक यू। झरने के पास एक औरत की लाश मिली, उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। सर, ऐसा ही ड्रेस तो मानसी ने भी पहना हुआ था जब वो पायल को लेके भागी थी। मानसी तो नहीं? चलो झरने के पास, पता चल जाएगा। आपने फोन किया था? आई आई, एक मिनट, आप लोग इधर रुकिए जरा। जी सर। ओके ओके सर। सर, इसने कपड़े तो वैसे ही पहने हुए हैं जैसे मानसी ने पहने हुए थे, पीले रंग का सलवार कमीज। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे अभी हाल में ही इसकी मौत हुई हो। सर, चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका। हाँ वो तो है, अभी साड़ूंगे साहब ही बताएंगे ये मानसी है या कोई और। सर, अगर ये मानसी है तो वो बच्ची पायल और वो ड्राइवर जगन कहाँ गए? चेवंती, तुम आसपास देखो जरा, जगन या बच्ची का कोई सुराग मिलता है क्या? ये सर। रेडी, वंश को बुलाकर बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? सर, एक सीन फिल्माने के दौरान हमारी फिल्म का हीरो समर जी और हीरोइन अवंतिका जी, इन दोनों को पानी में कूदना था। दोनों पानी में तो कूदे, समर जी को अवंतिका जी को बचाना था, लेकिन समर जी के हाथ में ये लाश लग गई। सर, अच्छा आपकी यूनिट के अलावा यहाँ पे कोई अनजान आदमी, बाहर का आदमी दिखाई पड़ा क्या? कोई छोटी बच्ची का? सर नहीं, सर हमें सिर्फ ये लाश ही मिली थी और कुछ नहीं दिखा था। देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप लोगों को ये शूटिंग की इजाजत नहीं मिल सकती। आप लोग प्लीज अभी जाइए, पैकअप करिए। सर, ये बच्ची का हेयरबैंड यहाँ गिरा हुआ मिला। इसका मतलब कोई छोटी बच्ची तो यहाँ आई थी। पायल जगह आगे हो सकते हैं, चलो देखते हैं।
लॉलीपॉप रख लो इसे। ये कौन लेटा पड़ा है? सर शायद ड्राइवर हो सकता है जिसके साथ मानसी पायल को लेकर भागी थी। ये तो कोई और ही है। सर ये ड्राइवर नहीं है तो कौन है? तो गोली मारी है। आसपास जरा चेक करो कुछ मिलता है क्या? सर एक भी गोली चली नहीं। खून? सर हाँ सर ये मोबाइल फोन पास में गिरा हुआ मिला है, पता नहीं इसका है या खूनी का। एक मैसेज है इसमें, खुला नहीं गया है। कल सुबह 9 बजे बच्ची के साथ फोर्ट में मिलो। सर कहीं ये बच्ची पायल तो नहीं? हो सकता है। मानसी की लाश और इस आदमी की लाश आसपास मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। सर जिस नंबर से मैसेज आया है उसे ट्रेस करते हैं। और एक काम करते हैं, वो आदमी सुबह फोर्ट पे बच्ची का इंतजार कर रहा है ना, उसको जरा बच्ची से मिलवा देते हैं। वो कैसे? वो देखते हैं फ्रेडी, पहले जरा पता लगाओ ये आदमी है कौन। जगन अंकल आप भी थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा आप खा लो, और सुनो आराम आराम से खाओ चबा चबा के। पायल बेटा आप आराम से बैठ के खाना खाओ। हाँ अब फुर्सत मिली तुझे। ध्यान से मेरी बात सुन, बच्ची मेरे पास है हाँ, और अभी तक वो जिंदा है। अबे क्या क्या मतलब है छुपा रहा हूं अभी तक? हाँ मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ फोन कर जल्दी। पायल बेटा और कुछ खाना है? नहीं मेरा पेट भर गया। तो चले फिर आओ। हाँ नहीं टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ अभी तक सब ठीक है। ओके ये देखिए ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़े कमाल की बात है। डॉक्टर साहब कुछ पता चला क्या? हाँ
इस औरत का चेहरा बना लिया है और ये औरत ऐसी दिखती है। ओ, ये औरत मानसी है। चलो ये तो पता चल गया मानसी है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस आदमी की लाश से मिली है। अच्छा वो क्या? वो ये कि हमें इस आदमी के कपड़ों पर से बच्चों के डीएनए मिले। बच्चों का डीएनए? हाँ, एक से ज्यादा बच्चे? तीन बच्चों के डीएनए, जिनका आपस में या इस आदमी से किसी किस्म का कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं था। शायद ये आदमी बच्चों को अगवा करने का काम करता होगा और पायल भी इसी का शिकार हुई है। बिल्कुल यही बात है अभिजीत, पायल को किसी दुश्मनी या फिरौती के लिए अगवा किया नहीं गया था, क्योंकि इस आदमी के फोन पे जो SMS आया था उसमें पायल या उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं था। सर, 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 इस आदमी का पता चल गया सर। इसका नाम बलवंत है, उर्फ बल्लू। और सर, ये बल्लू चोरी चकारी गुंडागर्दी इस तरह के कामों को अंजाम देता था। बल्लू पुराना पापी था पर अपने भाई चेतन के साथ वसे भी रहता था। ठीक है, तुम जरा इस चेतन से मिल लो, शायद पायल का कुछ पता चल जाए। तब तक हम लोग उस आदमी से मिलते हैं जिससे बल्लू मिलने वाला था बच्ची के साथ। बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, पहले तुम 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, है ना? ठीक है, खामोश रहती हूँ। हाँ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, हमेशा मैं ही मिलता हूँ सबको। क्या बोले अंकल? कुछ नहीं बोला मेरी माँ। अगर उसको पता नहीं होगा कि बल्लू मर चुका है तो वो जरूर आएगा। सर जो भी है जल्दी आ जाए, वरना बच्ची परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, बच्ची बहुत स्मार्ट है, मेरे दोस्त की बेटी है, उसको सब समझा दिया हम लोगों ने। बड़ी बड़ी बल्लू तो नहीं हो? मैं बल्लू नहीं हूं, लेकिन उसी के काम से आया हूं। बल्लू कहां? कल बाथरूम में फिसल गया था, घर पे आराम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अच्छा 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 ओ ये बच्ची वही है ना? जी हाँ, वही बच्ची है। Come on, follow me. चलो बेटा, देखते हैं कौन सा किरदार बाकी इस कहानी में। ये कहना है तमाशा है। चलो
आप लोग ये ताकझाक करना बंद करो और इधर आओ। आइए आइए। ये चेतन कहाँ गया? बलवंत का भाई। हमें क्या मालूम कौन बलवंत कौन चेतन, हम नहीं जानते इनमें से किसी को। देखो बलवंत को कल किसी ने गोली मार दी और वो मर गया, और उससे पहले बलवंत ने एक बच्ची को अगवा किया था, इसलिए हम चेतन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन चेतन कहाँ गया ये हमें क्या पता, और फिर आजकल कौन अपने पड़ोसी को कुछ बताता है? हाँ क्यों भाई लोग? निखिल पूर्वी, लगता है इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग सीआईडी से हैं, और अब ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं और कोई इन्हें बचा नहीं सकता। हाँ सर, जेल की 4 कोठरी तो खाली करानी ही पड़ेगी इतने सारे लोगों को रखने के लिए। अरे मैडम आपके हाथ तो बहुत नाजुक है, दिखाइए। चक्की तो पीस लेंगी ना? चक्की? मैं क्यों पीसूं चक्की? पीसे मेरे दुश्मन। मैडम चेतन और बलवंत जैसे अपराधियों का साथ देंगी तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, औरतें जेल में चक्की पीसेंगी और यहाँ जितने आदमी हैं वो जेल में जाके पत्थर तोड़ेंगे या फिर जेल के कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। आप लोगों को खाना वाना बनाना आता है ना? अगर चेतन के बारे में कुछ बता देते तो शायद इनका बचने का कोई चांस था। हम क्यों जेल जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया। ये तो इसने हमें बताया नहीं कि हम लोग फंस जाएंगे। अरे ये तो इसने हमें बताया नहीं। अरे क्या सर, ये कौन सा है? इसने हमें बंदूक दिखा के डराया और बोला कि चेतन के बारे में कुछ नहीं बताना सर। चेतन का पिट्टू है तू? बच्ची के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो हुआ ये कि हमको खबर मिली कि आप लोग आने वाले, तो मैंने सबको झूठ बोलने को बोला। बस मैं झूठ नहीं बोल रहा था सर, मारना मत। अभी चेतन कहाँ मिलेगा? भाई माफ कर दो ना भाई, प्लीज भाई माफ कर दो ना भाई, मेरी जान बख्श दो भाई, भाई करो भाई, बस अपन पूरी जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करेगा भाई, माफ कर दो ना। आप मेरे आप ही हो भाई, दया करो ना। सर वो है चेतन, वो जो रो रहा है। तुम तो कह रहे थे कि चेतन बहुत खतरनाक आदमी, ये तो खुद किसी के पैर पे गिर के गिर गया। भाई 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 आप चाहो ना मेरे पर गोली मत मारना, लौट टंकी की दुकान। तूने 10 लाख देने का वादा किया था और अब हमें 10 कहानियां सुना रहा है, पैसा कहाँ है? भाई वो बल्लू भाई लेने गए थे पैसे, वो पुराने किधर रह गए, इसलिए पैसे नहीं। माफ कर दो भाई, हमको हमारा पैसा चाहिए, समझा चेतन? पैसा, वरना इधर इस तरह खोपड़ी डाल लेगा। भाई भाई प्लीज 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 भाई गोली मत चलाना भाई, मत मारो भाई, गोली मत मारो। अब ये बोल रहा है गोली मत चलाना तो चलाओ मत ना। कौन है तुम लोग? बाराती है। बाराती? किसके बाराती? तो आप लोगों को ससुराल ले जाएंगे तो बाराती भी आप ही के होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा हो गया, अब ये बाकी की एक्टिंग ब्यूरो में दिखाना, चल।
ये तो वो बच्ची नहीं है, ये कोई और है। इसका मतलब ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ मैडम, ये देखो आ गई बच्ची। बाकी के 5 लाख रुपए निकालो और बच्ची को लेकर के 9-2-11 हो जाओ। अंडरस्टूड? मम्मी, बेवकूफ बना रहे मुझे? मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मुझे बुखार हो जाएगा। आपको पता नहीं मैं कितना ना बड़ा गुंडा हूँ। रतन नाम है मेरा, रतन। रतन के बच्चे? ये वो बच्ची नहीं है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी, समझे? इसे वापस ले जाओ और मेरे 10 लाख रुपया जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो वापस ले आओ, ठीक है? मुझे पायल चाहिए, ना कि ये, समझे? तो समझे, समझे? ना पायल मिलेगी ना पैसे। रेडी, बच्ची को ले जाओ। क्या चल रहा है ये? अरे कहाँ जा रही है? जयवंती पकड़ो। तू क्या कर रहा है? कौन है भैया तुम लोग? और ये गन हुआ? अरे बचपन से खेलते हुए आया हूँ इससे। रतन, रतन नाम है मेरा, रतन। मार मार के छठी का दूध याद दिला दो। बहुत जल्दी में लगती हो मैडम। चलो। देखिए मेरी बात। देखिए सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो यहाँ एक बच्ची गोद लेने आई थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ। गोद लेने आई थी या बच्ची को खरीदने आई थी? बहुत बड़ा गुनाह है ये, समझिए आप। ले चलो सबको बीरो में। सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। चाटा नहीं था, चाटा बुखार, बुखार। क्या हो रहा है? सर, आप लोग सीआईडी से हैं ना? नहीं नहीं सर, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो, देखो जो समझना समझाना है ना, अब ब्यूरो में ही होगा। चलो साहब, मैं तो एक छोटा सा मोरा हूँ साहब। पापी पेट के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ साहब। लेकिन साहब मुझे मत मारना। बचपन से भी अगर कोई मुझे एक भी चाटा मारता है ना साहब, तो मुझे 104 डिग्री बुखार हो जाता है साहब। लावण्या जी, है कौन वो जिसने आपको गैर कानूनी तरीके से पायल को देने को कहा था? सर, वो मुंबई का ही कोई आदमी था। वो कई सारे पीसीओ से मुझे कॉल करता था, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। उसने मुझे पायल की डिटेल देख कर कहा कि पेमेंट वहां जाकर पहुंचा दो। सर, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। सब? अब उन इस जन्म में क्या, अब उन 7 जन्म में भी ना साहब, आपका एहसान नहीं बुला सकता साहब। अबे चुप, ये चपड़ चपड़ करना बंद कर, समझा? बल्लू ने उस बच्चे को कहां रखा, कुछ बताया तेरे को? सब? बल्लू अपन का भाई था साहब, पर अपन को कुछ बताता नहीं था साहब। अभी तो वो बीच नहीं रहा ना। इन दोनों को स्केच दिखाओ। और आप वहां क्या कर रही थी? सर, मैं भी आप लोगों की तरह ही ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। है कौन आप? सर, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं एनजीओ में काम करती हूँ जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। नाटक बंद कर। सर, देखा ही नहीं, देखा था मैंने इसको। अपने बल्लू भाई के साथ इसे कभी नहीं देखा। तो फिर ऐसे छुपते छुपाते क्यों घूम रही थी वहाँ पे? सर, असल में एक औरत ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि ये जगन और मानसी, ये पायल नाम की किसी बच्ची को लेकर वो वसई की तरफ जा रहे हैं। और सर, उस औरत ने मुझे पायल का पीछा करने के लिए कहा था। शायद वो पायल को किसी से बचाना चाहती थी। आपको मालूम है पायल कहाँ है? जी सर, वो दहीसर के पास, वो पुरानी हवेली में जगन के साथ। जगन, जगन, आप लोग यहीं रुकिए,
पायल खून वहां पे कुछ हाथापाई हुई है। लगता है इसी से किसी पे हमला। ये तो जगन है, मर गया। जिसको ढूंढने आए थे वही मर गया। सर पायल कहां गई? जिसने इसे मारा होगा वही लेके गायब हो गया। यहां आसपास चेक करो अच्छी तरीके से और एम्बुलेंस को बुलवाओ। जगन का खून हो गया है। क्या जगन मर गया? सर फिर पायल गायब है। आप लोगों की भी समझदारी का जवाब नहीं है। बच्ची जिस इलाके में गायब होने वाली थी अपना दिमाग लगाकर आप लोग उसे वहीं ले आए बचाने के लिए। हेलो सर, किसी औरत ने फोन उठाया। आप शीतल तो नहीं? माही मार पर जिनका घर है। हाँ जी बिल्कुल, पर आप कौन? शीतल जी मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये क्या तमाशा है? आपने हमें बोला था पायल को ढूंढने के लिए और आपको पता था कि पायल वसई में है। क्या? नहीं मुझे नहीं पता, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए जिस एनजीओ वाली औरत को आपने कहा था पायल पे नजर रखने के लिए, वो औरत मेरा मतलब मीनाक्षी हमारे साथ में ही है। मीनाक्षी? मैं किसी को नहीं जानती और मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मीनाक्षी के फोन पे इस नंबर से कई सारे कॉल आए हैं, समझे आप? मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती हूँ। मैंने कोई कॉल नहीं किया मीनाक्षी को। नहीं किया? तो फिर किसने किया? आज पापा अपनी प्रिंसेस को एक वाटरफॉल दिखाएंगे। वाटरफॉल? मानसी आंटी और जगन अंकल ने भी मुझे वाटरफॉल दिखाया। अच्छा तो एक बार फिर से देख लो। रोहन क्या जरूरत है वाटरफॉल तक जाने की? तुम उतरो तो सही, फिर बताता हूँ क्या जरूरत है। आओ पायल बेटा। माय प्रिंसेस। ये देखो बेटा, नाइस। लो आ गए वॉटरफॉल पे। अब आपको इधर हम खड़ा करते हैं। सामने देखो वॉटरफॉल कितना सुंदर है ना पायल? मुझे पता है बहुत बहादुर गर्ल हो, ऐसे पानी वानी से डरती नहीं हो, है ना पायल? बेटा थोड़ा पानी के नजदीक जाए हम। बचाओ कोई,
हाथ मत छोड़ना। बचा बचा, आजा 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 आजा, बहुत तैयार है, बचाओ। खड़ा, बहुत तैराकी कर ली हैं, बहुत तैराकी कर ली तूने। तो भी पायल को ले जाओ। अब बता क्या चल रहा था ये सब है? सर ये सब कुछ इस रोहन का किया धरा है, इसके डर के कारण आप लोगों को मैं कभी कुछ नहीं बता पाई। जब मेरी नजर हर वक्त तुझ पर थी तो सीआईडी वालों को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ? शीतल ने हमें बताया कि अंजलि किसी न किसी बहाने उसके घर का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करती। क्यों, पायल को मानसी के हाथों तुमने ही गायब करवाया ना? जी सर, लेकिन इस रोहन से बचाने के लिए, ताकि पायल को उसके असली माँ बाप से मिला सकूं। क्या तुम लोग पायल के असली माँ बाप नहीं हो? नहीं। तो फिर ये बच्ची पायल तुम लोग के पास कैसे है? नवजात बच्चों को अगवा करने के बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते थे तो हम उन्हें बेच देते थे। पायल भी उनमें से एक बच्ची थी। पता नहीं मेरी बेवकूफ बीवी को इस पायल पे क्यों इतनी ममता जाग गई कि वो मेरे साथ अपने पति के साथ गेम खेलने लग गई। मैंने ही पायल को मानसी और जगन की मदद से गायब करवाया सर, ताकि वो उसके असली माँ बाप से मिल सके। लेकिन वो असली माँ बाप से मिलने के बजाय इस रोहन के भेजे हुए गुंडे बल्लू के हाथ लग गई। इन सब में बेचारी मानसी मर गई, लेकिन जगन बल्लू को खत्म करके पायल को लेकर बच निकला वहाँ से। हम लोग पायल को ढूंढने लगे इसलिए तुमने अंजलि और पायल को मारने की कोशिश की। बल्लू ने मानसी को मार डाला और जगन का भी खून किया तुम लोगों ने। बच्चों की खरीद फरोख का धंधा करते हो ना तुम, तो मैं तो 100 बार फांसी दी जाए वो भी कम है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।